जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म डेड गर्ल के बारे में। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 और 64% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स रिकी और जेटी दिखाए जाते हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। रिकी एक लड़की जुआन को देख रहा होता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद होती है। जुआन और रिकी बचपन से एक दूसरे को जानते थे और रिकी उससे प्यार करता था। जेटी रिकी से कहता है कि वो लड़की कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो उस पे अपना टाइम वेस्ट ना करे। रिकी उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता है और वो उसे जरूर एक्सेप्ट करेगी। कुछ देर बाद स्कूल से बंक मार के जेटी रिकी को एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल में ले जाता है। वो दोनों वहाँ तोड़फोड़ करते हैं जिससे उन्हें काफी मजा आता है। जेटी रिकी से कहता है कि उन्हें इस हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाके देखना चाहिए कि वहाँ है क्या, तो रिकी उसे मना कर देता है क्योंकि उसे वहाँ बहुत डर लग रहा था। जेटी के बहुत कहने पर वो मान जाता है और वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं। तभी उनके सामने एक कुत्ता आ जाता है जिसे देख के वो दोनों भागते हैं और एक अजीब सी जगह पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें एक बंद दरवाजा दिखता है, तो जेटी उसे खोलने की कोशिश करता है। रिकी उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है लेकिन जेटी उसे समझाता है, तो वो दोनों उस ब्लॉक्ड दरवाजे को तोड़ देते हैं। वो दोनों उस कमरे की छानबीन करते हैं तो उन्हें वहाँ एक नेकेड लड़की मिलती है जिसे बांधा गया था। उन्हें लगता है कि वो लड़की मरी हुई है, लेकिन जब जेटी उसे छूता है तो उसकी सांसें चलने लगती हैं। वो दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतने दिनों तक कोई जिंदा कैसे रह सकता है। रिकी जेटी से कहता है कि उन्हें उस लड़की को छुड़ा के पुलिस के पास ले जाना चाहिए, लेकिन जेटी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो रिकी से कहता है कि क्यों ना वो उस लड़की का फायदा उठाएं, तो रिकी उसे मना कर देता है। ये सुन के जेटी रिकी को एक मुक्का मारता है, तो रिकी वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। घर आके रिकी पुलिस को कॉल करता है, लेकिन तभी वो कॉल काट देता है क्योंकि वो अपने दोस्त को फंसाना नहीं चाहता था। तभी रिकी की माँ का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और रिकी का घाव देख के उसे मर्द बनने के लिए कहता है। ये सुन के रिकी उसे गाली दे के वहाँ से चला जाता है। रात को रिकी शूटिंग करने के लिए एक जगह जाता है, तो जेटी वहाँ आता है और उससे माफी मांगता है। वो उसे फिर से वहाँ चलने के लिए कहता है, तो रिकी उसे मना कर देता है। जेटी रिकी को बताता है कि उसे वो कुछ दिखाना चाहता है जिसे देख के वो हैरान हो जाएगा। ये सुन के रिकी जेटी के साथ फिर से वहाँ जाता है, जहाँ जेटी उसे बताता है कि कल रात जब उसने उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की तो वो उसे काटने के लिए आगे बढ़ी। ये देख के वो डर गया और उसने उसका गला जोर से दबाया जिससे उसके गले की हड्डी टूट गई, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गई। कोई और होता तो वो जरूर मर जाता, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। रिकी उसकी बात नहीं समझता, तो वो रिकी से गन लेता है और उस लड़की के 3 गोली मारता है, जिसे देख के रिकी बेहोश हो जाता है। जब रिकी को होश आता है तो वो देखता है कि वो लड़की अब भी जिंदा है। ये देख के वो हैरान हो जाता है क्योंकि 3 गोली लगने के बाद भी वो जिंदा थी। जेटी उसे बताता है कि ये एक डेड गर्ल है जो कभी मर नहीं सकती। वो एक ज़ॉम्बी है जिसपे शायद हॉस्पिटल वाले एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और हॉस्पिटल बंद होने की वजह से वो उसे यहीं बंद करके चले गए। जेटी उसे ये भी बताता है कि वो उस लड़की को अपनी सेक्स स्लेव बनाएगा ताकि जब उसका मन करे वो उसका फायदा उठा सके। रिकी को उस लड़की के लिए बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो डरा होता है। वो जेटी से कहता है कि ये उन दोनों का सीक्रेट रहना चाहिए, तो जेटी मान जाता है। अगले दिन स्कूल में रिकी अपने दोस्त व्हीलर से मिलता है, जो उसे बताता है कि आज वो डेट पे जाने वाला है एक हॉट लड़की के साथ। घर आके रिकी जुआन के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे डेड गर्ल का ख्याल आता है, तो वो हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाता है जहाँ वो व्हीलर को देखता है उस डेड गर्ल के साथ सेक्स करते हुए। व्हीलर उसे देख के कहता है कि यही उसकी डेट थी जिसकी वो बात कर रहा था। रिकी जेटी से कहता है कि उसने वादा किया था कि ये बात उन दोनों के बीच ही रहेगी, तो उसने इस बारे में व्हीलर को क्यों बताया। जेटी उसे कहता है कि व्हीलर तो उनका ही भाई है जो किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये सुन के रिकी को गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। उसे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा होता है, तो वो गराज से एक बोल्ट कटर खरीदता है और उसे ले के बेसमेंट में जाता है। वो उस लड़की से माफी मांगता है उसके दोस्तों के बर्ताव के लिए और उससे कहता है कि वो उसे छुड़ाने आया है। डेड गर्ल उसे घूर रही होती है, मानो कि वो उसकी बात समझ रही हो।
जब वो डेड गर्ल की हाथों की जंजीर खोलता है तो वो उसे पकड़ लेती है। तभी रिकी जेटी के आने की आवाज सुनता है तो वो अपने आप को छुड़ा के कहीं छुप जाता है। जब जेटी और व्हीलर वहां आते हैं तो जेटी उस लड़की के पास जाता है, तभी वो लड़की उस पे हमला कर देती है जिससे उसका मुंह छिल जाता है। वो दोनों किसी तरह उस लड़की को दोबारा बांधने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें वहां बोल्ट कटर मिलता है जिससे जेटी को पता चलता है कि जरूर ये काम रिकी का है। वो रिकी को ढूंढने के लिए जाता है तो वो कुत्ता वहां आ जाता है जिससे डर के जेटी वापस कमरे में चला जाता है और रिकी वहां से भाग निकलता है। अगले दिन स्कूल में रिकी के पास एक लड़का आता है और उससे व्हीलर के बारे में पूछता है। रिकी उससे पूछता है कि वो व्हीलर को क्यों ढूंढ रहा है तो वो उसे बताता है कि व्हीलर ने उसे कहा था एक सीक्रेट बताने के लिए। ये सुन के रिकी उस लड़के को पीटता है और उसे व्हीलर से ना मिलने के लिए कहता है। उसके बाद वो चुपके से जुआन को देखता है तो जुआन का बॉयफ्रेंड जॉनी उसे उसकी गर्लफ्रेंड को घूरते हुए देख लेता है। जब व्हीलर वहां आता है तो रिकी उसे डांटता है सीक्रेट रिवील करने के लिए। व्हीलर उसे कहता है कि अब से वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगा। उसके बाद व्हीलर जेटी के पास बेसमेंट में जाता है जहां जेटी उस डेड गर्ल के साथ सेक्स कर रहा था। व्हीलर उससे पूछता है कि ये डेड गर्ल क्या है तो जेटी उसे बताता है कि ये एक जॉम्बी है जो कभी मर नहीं सकती। इधर स्कूल में जब रिकी बैठ के कुछ सोच रहा होता है तो उसकी तरफ एक बॉल आती है। जुआन उससे वो बॉल लेने आती है तो वो उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है लेकिन जुआन उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं लेकिन वो उसके साथ कभी डेट पे नहीं चल सकती। ये सुन के रिकी को बहुत बुरा लगता है। बाहर जुआन का बॉयफ्रेंड जॉनी और उसका दोस्त डॉयर रिकी और व्हीलर को पीटते हैं। जॉनी रिकी को उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहने के लिए कहता है तो व्हीलर उसे कहता है कि उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास उससे कहीं ज्यादा हॉट लड़की है जो हॉस्पिटल में है। ये सुन के जॉनी और डॉयर उन्हें अपनी कार की डिक्की में बंद करके हॉस्पिटल में ले जाते हैं। व्हीलर उन्हें वहां ले जाता है और वो उस लड़की को देख के हैरान हो जाते हैं। जेटी उन्हें बताता है कि ये लड़की उनकी दोस्त है जिसे ऐसे ही बंधे रहना पसंद है। जॉनी और डॉयर को भी उस लड़की को देख के लालच आने लगता है। तभी रिकी उन्हें कहता है कि अगर वो चाहें तो वो उस लड़की के साथ कर सकते हैं। रिकी जॉनी से कहता है कि उस लड़की को ओरल पसंद है तो वो उसके मुंह से शुरुआत करे। ये सुन के वो दोनों डेड गर्ल के नजदीक आते हैं लेकिन जैसे ही जॉनी उसके मुंह के पास आता है वैसे ही वो लड़की उसका प्राइवेट पार्ट काट खाती है। दोस्तों रिकी जॉनी से चिढ़ता था इसीलिए उसने वो करवाया। डॉयर देख के डर जाता है और उनसे कहता है कि वो उनकी कंप्लेन पुलिस में करेगा। जेटी उसे कहता है कि उन्होंने भी उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की है तो अगर वो पुलिस के पास गया तो वो भी उनके साथ जेल जाएंगे। ये सुन के डॉयर पुलिस के पास जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और जॉनी को अपने साथ ले जाता है। रात को रिकी जुआन के पास जाके उसे बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो भी हुआ उसने उसे रोकने की कोशिश की थी। वो जुआन को उसके साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसे सब सच बता सके लेकिन जुआन उसकी नहीं सुनती। अगले दिन जेटी उस जॉम्बी को लिपस्टिक लगाता है और वो उसे काफी पसंद आने लगी थी। तभी वहां वो कुत्ता आ जाता है जिसे देख के जेटी डर जाता है। वो उस पे हमला करने ही वाला होता है कि वो जॉम्बी लड़की उसे काट खाती है और जेटी की जान बच जाती है। इधर स्कूल में जॉनी के पेट में दर्द होता है तो वो वॉशरूम जाता है। वो देखता है कि उसका शरीर सड़ रहा है और तभी उसके पीछे से उसकी अतड़ियां निकल जाती हैं। यानी दोस्तों उस डेड गर्ल के काटने की वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया था और उसी की तरह बन रहा था। अपने दोस्त की हालत देख के डॉयर बेसमेंट में जाता है और उस लड़की की रस्सियां काटने की कोशिश करता है। तभी जेटी वहां आ जाता है और उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है। डॉयर उससे कहता है कि उसका दोस्त भी उसी लड़की की तरह बन रहा है और ये सब उसकी गलती है। तभी वो लड़की डॉयर को काट खाती है तो जेटी उसे बताता है कि अब वो भी उसकी तरह बन जाएगा तो वो डॉयर को मार डालता है। रात को जेटी और व्हीलर किसी लड़की को किडनैप करने का प्लान करते हैं ताकि वो डेड गर्ल की मदद से और भी लड़कियां उसकी तरह बना सकें और उनका इस्तेमाल करें। वो एक गैस स्टेशन के पास जाते हैं जहां उन्हें एक लड़की दिखती है। व्हीलर उसके पास जाता है और उसे ड्रग्स का बहाना दे के अपनी कार के पास बुलाता है। तभी वो एक रॉड उसके सर पे मारता है ताकि वो लड़की बेहोश हो सके। सर पे चोट लगने की वजह से उस लड़की के खून निकलने लगता है लेकिन वो बेहोश नहीं होती और जेटी और व्हीलर को बुरी तरह पीटती है और वहां से चली जाती है। इस बेइज्जती के बाद वो दोनों वापस अपनी कार में जाते हैं और तभी वहां जुआन आ जाती है और उनपे गुस्सा करती है उसके बॉयफ्रेंड की ये हालत करने के लिए। वो दोनों उसे ही पकड़ के ले जाते हैं उस डेड गर्ल की तरह बनाने के लिए।
रात को रिकी एक तलवार लेके बेसमेंट में आता है ताकि वो उस लड़की को वहां से छुड़ा सके, क्योंकि उसे उसके लिए बुरा लग रहा होता है। वो वहां उस लड़की के साथ जुआन को बंधा पाता है तो हैरान हो जाता है। वो जुआन को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है तो जेटी वहां आ जाता है, जो उसे बताता है कि वो और भी डेड गर्ल्स बना सकते हैं उन्हें उस जोम्बी से कटवा के। वो उसे जुआन को छोड़ने के लिए कहता है तो जेटी उसे समझाता है कि जुआन उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए वो उसे डेड गर्ल बना रहा है ताकि वो उसकी हो सके। तभी व्हीलर जुआन को छूने की कोशिश करता है तो रिकी तलवार से उसका हाथ काट देता है। इसी बीच जुआन चुपके से उस डेड गर्ल का हाथ खोल देती है तो वो लड़की आजाद हो जाती है और उनपे हमला कर देती है। रिकी जुआन को छुड़ा के भागने लगता है लेकिन बाहर निकलने का दरवाजा बंद होता है। रिकी जुआन से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो जुआन को रुकने के लिए कहता है और दूसरा एग्जिट ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। जब वो वापस आता है तो देखता है कि जुआन वहां से गायब है। तभी वो देखता है कि वो जोम्बी लड़की जेटी को बुरी तरह मार रही है और उसने उसे काट खाया है। तभी वो लड़की उसकी तरफ मुड़ती है जिससे रिकी डर जाता है। उसे लगता है कि वो उसे भी काट खाएगी, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं करती और वहां से भाग निकलती है। दोस्तों, उसने रिकी को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था जिसने उसका फायदा नहीं उठाया था। तभी रिकी जुआन को जख्मी हालत में देखता है जो उसे बताती है कि जेटी ने तलवार से उसे स्टैब किया है। रिकी जेटी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो जेटी उसे बताता है कि ये लड़की उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो अगर उसे उसका प्यार चाहिए तो वो उसे काट के एक डेड गर्ल बना सकता है। रिकी ये सुन के जुआन से कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। वो उसे ये भी कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे हमेशा खुश रखेगा। ये सुन के जुआन उस पे खून थूकती है और कहती है कि बच्चों की तरह बात मत करो, यानी मरते हुए भी जुआन उसे रिजेक्ट कर देती है, जिससे रिकी को बहुत बुरा लगता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां रिकी काफी खुश नजर आता है। रात को वो उसी बेसमेंट में जाता है जहां हम देखते हैं कि उसने जुआन को डेड गर्ल बना के लेटा रखा है, और मूवी खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों, रिकी ने जेटी की बात मानी और जेटी से कटवा के उसने जुआन को डेड गर्ल बना दिया। उसे पता था कि जीते जी जुआन उसका प्यार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए उसने उसे डेड गर्ल बना दिया और उसका प्यार हासिल किया। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी सिंपल थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं और हमें ये भी बताएं कि आपको इस फिल्म में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा और क्यों। और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और भी मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।